भाई साहब पैसा है नाराज मत, मतलब मेरे को सरदार जी जैसे सुबह भी मैं आए थे उसका बापू आया था भाई सब आए थे तो घर पे बैठे हुए थे जैसे वकील के साथ मैंने तुम्हारे को बताया तो वो कह रहे कि देखो उन्होंने वकील से बात कहा देखो उसको तो निकाल दो वकील बता दो देखो मैं अगर हम इंसानियत के नाते चलना है तो हमारे साथ चलो तुम वाले उसका बापू कहते है

मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहता हूं जब राजवीर भाई पहली बार मेरे पास मिलने आए थे ना तो कैमरे के सामने नहीं साइड में ले जाके मुझे अपना पर्सनल एटीएम कार्ड दे रहे थे जिनमें उनका करोड़ों का बैलेंस पड़ा हुआ है बोले थे कि पंकज तेरे को फाइनेंशियल अगर कभी भी सपोर्ट चाहिए तो कभी भी इसको स्वाइप करके अपना सारे काम कर लियो जो भी वकील वगैरह करना हो जब भी पूरा फुल सपोर्ट है तो मेरी तरफ से तेरे को तो मैंने बोला था कि भैया आप यहाँ पे आके मेरे साथ खड़े हो गए मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है मुझे पैसे की कभी भी हेल्प हो की ज़रूरत होगी तो मैं आपको कॉल करके छोटा भाई बन के मैं आपसे पैसे की डिमांड खुद करूँगा मैं खुद पैसे आपसे मांगूंगा मुझे अभी फ़िलहाल पैसे की नीड नहीं है आप अपना ए अपने पास रखो ये बोला था अगर आप लोगों को यकीन ना हो तो राजवीर भैया को उनकी माँ की कसम खवा के उनसे पूछ लो से कि ये बात हुई थी या नहीं हुई थी जब मैं अगर मुझे ऐसा कुछ लालच होता तो मैं इन चार पाँच लाख रुपए के ऊपर समझौता करने की बात कह रहे थे मैं दस लाख रुपए उन भैया के ए से स्वाइप कर लेता भैया क्या बोलते कुछ नहीं बोलते भाई निकाल भी लेता तो मैं उनको क्या फर्क पड़ता इन चींदी पैसों से तो भाई ये सरासर गलत इल्जाम लगाया जा रहा है मेरे ऊपर बाकी आप समझदार हो आप एक बार राजवीर भैया को उनकी माँ की कसम दे के बात पूछना कि वो ए एटीएम कार्ड मुझे दे रहे थे या नहीं दे रहे थे रूबल भी अभी साथ में वहीं खड़े थे आप उनसे भी पूछना कि क्या ये बात सच है या झूठ है देखो मैंने पैसे के लिए अपना सर नहीं फड़वाया है ना ही हाथ फुड़वाए हैं ना ही ये पैर डैमेज करवाया है मेरा सारा मेहनत जो भी था सारा बॉडी पे पैसा लगा रखा था मैंने अपने पूरे लाइफ में सिर्फ यही चीज़ बनाया था जो कि यही चीज़ से उन्होंने डैमेज कर दिया तो बस मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो फालतू के इल्जाम जो मेरे ऊपर लगाया जा रहा है ना इस पर किसी पे पर भरोसा मत करना जो रियलिटी है जो सच्चाई है बस उसी के साथ खड़े हो जाओ सब के सब एक साथ हेलो दोस्तों एक और नई आप वीडियो आपसी लोग रहेगी भाई पंकज वर्मा के ऊपर कल मैंने जो वीडियो अपलोड करी थी जो कि नरेश सैनी का मैंने पक्ष अपने चैनल पर रखा था एक तो भाई कल पंकज वर्मा में ने मेरे उस वीडियो में कमेंट कराया भाई तूने कितने पैसे खाए हैं इस वीडियो के लिए कि आपने ऐसा वीडियो डालिया तो भाई ये भी बताऊंगा कितने पैसे मिले हैं दूसरी बात भाई एक कॉल रिकॉर्डिंग मैं आपने सुनाऊंगा जो पैसे की डिमांड की हुई थी जो सरदार जी थे बीच में जिनके पास जाते जिम में ये कॉल रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा पूरी वीडियो पूरी बात मेरी सुनियो फिर उसके बाद आप डिसीजन लेना कौन गलत सही है और क्या ये मैटर है और क्या इस मैटर में आगे होने वाला है पूरी बात सुन सुनकर जाइयो और लास्ट में सुनियो वह कॉल रिकॉर्डिंग सबसे पहली बात तो भाई कल वो वीडियो डाल जब वीडियो मेरे पास आई व्हाट्सएप पर मंगाई थी मैंने उससे आने से पहले करीबन आधा एक घंटा वो सारी चीज़ मैं लैपटॉप में लगा दूंगा मेरी बात हुई राजवीर फिटनेस सीरीज भाई थे रूबुल धनखड़ थे मैंने इनको मैसेज करा था भाई मेरे तक बात करिए राजवीर तो राजवीर ने मत कॉल करी थी उनकी आवाज़ तो साफ नहीं आ रही थी ज़्यादा कुछ जर्जराटमा मार रही थी कि फोन स्पीकर पर था या गाडी में थे वे कहाँ थे मैंने नहीं पता तो कल जब बात हुई भाई सबसे पहले बहुत सारी बात हुई थी उनने भी लगा था कि कानूनी कार्रवाई जिस हिसाब से होनी चाहिए वैसी हुई नहीं क्योंकि उन्होंने खुद भी कहा है जो चार बंदे का नाम लिया गया है ये नरेश सैनी मनीष सैनी विकास दीवान पंकज दीवान ये तो मतलब पकड़े नहीं गए कोई और चार डम्बी बंदे के कह रहे हैं सब कि वे पकड़े हैं और उनके ऊपर केस दर्ज होया है और जो भी आश्वासन हुआ कि पुलिस ने इनको दिया भाई जो वगैरह फुटेज वगैरह दिखाओगे तो ये सारी बातें मेरी कल राजवीर फिटनेस फिटनसते हुए रूबल करता भी रूबल धनखड़ता भी।, भी मैंने जिक्र कराया था कि भाई ये पाँच लाख रुपए की ऐसे ऐसे डिमांड की बात आ रही है तो इन कहा था भाई देख दो एक लाख रुपए उसका लेन देन है और बाकी जो भाईचारे में गाँव में हो अगर बैठ कर निपटाने में फायदा क्योंकि पुलिस या कार्रवाई था वे सब कोई भी संतुष्ट नहीं है ना उनको कोई उम्मीद ज्यादा नजर आ रही थी कल की जब हमने बात करी इस वीडियो के आने से पहले की बात है तो रूबल ने कहा भाई ठीक है आपसी सिम बैठ कर जो भी उनकी दवाई पट्टी चोट पानी तो किसी का लागे रही है बाकी तो वह कॉल रिकॉर्डिंग सुन लेना आप तो ये सारी बात हुई थी जब मेरी राजवीरता बात हुई अरे रूबल तो हुई मैंने इन तक कहा था मैंने उन पर वीडियो मंगवाया दूसरी पार्टी पर पहली बात तो मैं ना नरेश सैनी मनीष सैनी ना आज से दो दिन पहले से कभी जानता हूँ ना मैं जान कदम तक मिलिया ना आगे जाकर देखा देखेंगे जब मैं पानी पर दौरा होगा शायद मैं इस पंकज भाई से भी मिलूंगा अगर ये हाँ मिले तो क्योंकि मैं तो पुणे सिटी में रहूँ तो जो बीच में अपना भाई है प्रवीण नंदल हमारे पानीपत का बड़ा बॉडी बिल्डर है एक हमारा राम निवास मलिक उन सब जाना है तो मैंने प्रवीण नंदल के जरिए मका भाई जो पंकज वाली साइड से तो दुनिया भर के वीडियो बन रहे हैं अर्जमा थारे एरिए में थारे वहाँ पे ये सब मामला चल रहा है तो इसमें आप बताओ तो उसने बताया कि ये जो नरेश सैनी है ये मेरा ही स्टूडेंट रहा है ठीक है अरे मगा भाई फिर तू इनकी साइड का कुछ तो वीडियो ले आओ ना कुछ तो इनकी साइड की भी बात रखी जाए ना कि भाई पब्लिक में जो है एक साइड के बहुत सारे सोशल मीडिया पे वीडियो 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 सुबह शाम तक दो तीन वीडियो डेली अपलोड हो रहे पंकज वर्मा की तरफ से तो भाई तुम भी अपना टेक रखो ताकि पब्लिक को कुछ तो पता लगे तो भाई अगर आप एक बात बताओ मैं भी सिर्फ पंकज वर्मा के पास जाकर या पंकज वर्मा के के लिए एक वीडियो मैं भी बना देता है यहाँ बैठ कर मैंने कोशिश करी कि दूसरे पक्ष की भी बात जानी जाए अब दूसरे पक्ष ने जो अपनी वीडियो बनाकर मृतबे जीवा तो दिखा दी चाहे उसके मन में अब सो बात चल रही है मैं तो ये कह रहा हूँ मान लिया हमने वे चारों ही दोषी हैं लेकिन मेरे दोषी कहने से और जो हम सारे भाई जितने सोशल मीडिया पे कमेंटा में भी और इतने भाई ना देख भी रहे हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं कुछ लोग और भी वीडियो बना रहे हैं क्या हमारे सब के कहने से वे दोषी बन जाएंगे दोषी वे हैं कि नहीं है वो तो पुलिस का ही काम है ना मैं तो हम सब ने मान लिया कि हाँ वे दोषी हैं लेकिन उनकी सज़ा तो कानून नहीं देगा या फिर दूसरी चीज़ वो आ रहा भाई लड़ाई का बदला लड़ाई एक मैटर वो है अगर है एक हम सब मिलगा भाई वो लड़ाई का बदला ले एक चीज़ वो है अगर है। एक बात जब कानून में जा रही है केस चल रहा है तो उसमें हम तो कुछ कर ही नहीं सकते मना अगर दूसरे पक्ष का वीडियो अगर आप लोगों तक ले दिया था मेरी उसमें कोई गलती थोड़े मेरे भाई अरे उस दूसरे पक्ष ने या जो मृत्यकाल रिकॉर्डिंग दी है क्योंकि उन नाज मृत में दी है जब पंकज वर्मा ने जब ये डिनाई कर दिया कि मेरी पैसे की कोई डिमांड नहीं है और मेरे पास तो एटीएम भी है रजवीर भाई का और ये चीज़ है और उन ने दोबारा दोबारा आज दिन में भी ये मेरी वीडियो बनने से पहले भी पंकज से कॉल करी है कि भाई तेने पैसे की बात तो कही थी तो अब वो भी यह बात नू समझ गया होगा कि ये सारे रिकॉर्डिंग करेंगे क्योंकि कल का मेरा वीडियो आने के बाद उसका दिमाग में भी यह बात आई कि भाई अब मैं जो भी कुछ बोलूँगा सोच समझ कर बोलना पड़ेगा नहीं तो वीडियो आगे जाएगी क्योंकि एक कॉल रिकॉर्डिंग तो है जो मैं सुनाऊंगा आप सुन ही लेना है बिचोलिए सरदार जी की जो बीच में फैसला इनका कराने की सोच रहा था तो काल पंकज दोनों बोला तुम मेरे से ले लो दस लाख बीस लाख ये ले लो वो ले लो, लो तो उसने मतलब सीधे मुंह फोन पर तक बात नहीं करी क्योंकि उसने पता था कि अब ये कॉल रिकॉर्डिंग करेंगे और वो इस चीज़ की करेंगे और दूसरी बात मैं एक बात और कहना चाहूँगा भाई कोई भी झगड़ा होया आप अपनी जस्टिस की लड़ाई लड़ो जहाँ तक आपने जाना जाना हो जाना चाहिए अच्छी बात है पूरा ही तो सोशल मीडिया का सपोर्ट आपकी तरफ है कौन आप तो मना कर रहा है हर बंदे ने आप तुम्हें तो कह दिया आप अपना एड्रेस बताओ आप तो अरमान मलिक की तरफ तो ऑफर आ गया एक मैसेज कर दो हम आ जाएंगे फिर भी आप लोगों को सपोर्ट चाहिए सपोर्ट चाहिए भाई सपोर्ट तो दे ही रहे हैं और कौन कितना और मतलब आपने यूट्यूबरों को अपने और अपने पास बुला और वीडियो बनवाने हैं तो उनको मैसेज कर दो ऑलरेडी वे तो सारे तैयार हैं उन्होंने तो आपको ऑफर ही दिया कि आप एक मैसेज कर देना हमारी टीम आपके पास आ जाएगी तो वो भी आप कर सकते हो अरे रही बात भाई सोशल मीडिया की तो आप ही फिलहाल तो आपकी रीच अच्छी खासी चल रीस इसमें तो कोई दो राय है नहीं चाहे आप भाई रील डालो चाहे यूट्यूब पर वीडियो डालो तो व्यूज़ की कोई कमी नहीं है कॉमेंट सारे आपकी साइड है पॉजिटिव है मेरे वीडियो में भी पांच दस कोमेंट छोड़ गए सारे कमेंट आपकी साइड हैं जस्टिस फॉर पंकज ये कारण उसका सबसे बड़ा एक ये है जो आपको चोट लगी है वह बिल्कुल गलत लगी है वो नाजायज है इसलिए सबकी जो है भावनाएं आपके साथ जुड़ी हुई हैं रही बात रूबल धन खड़गी और राजवीर फिटनेस सीरीज की वे भी दरिया दिल बंदा राजवीर भी उसका भी दिल इसलिए जा गया किसी बच्चे के साथ गलत होया वो बंदा इतनी दूर से चल गया दो बार आप तक आया उसने इतना बड़ा आपका देखो एक चीज और मैं कहना चाहूँगा भले ही आज इस झगड़े की वजह से आपको चोट लगी हो आपको नुकसान होया हो वो गलत है ने ये काम करा रियल में चाहे वे वे चेयर है चाहे कोई और चेयारा है को ये तो आप जानो वे जाना है अरे भाई जिन चेहरा को डम्मी फंसाया गया तो कम से कम आप उस, उन तनु तो पूछते पुलिस के आगे भाई तुमने फिर मेरा मारे क्यों तुम चेहरे ने तो मैं जानता ही नहीं तो तुमने क्यों मारे मेरे तय थर तक किसी ने सफारी दी थी किसी ने मतलब ठेका दिया था मेरे को पीटने का तो वह चीज़ भी तो आपने पब्लिक में लेनी चाहिए ना उन चेर ये मैंने कोई पीट कर चला जा और थाने में वे पकड़े जा मैं उन तनु तो पूछूंगा तुमने मारे के क्यों मेरा रीजन के है तो वे जो चेर मान लो आपकी तरफ ते हैं जिन लोगों को ये है नहीं पीटने वाले तो उन, उन चेहरा तभी तो आप सवाल जवाब ये करोगे ना कि भाई आपने मेरे पर मेरे को मारे क्यों मैं आपको जानते नहीं ऐसे कैसे आपने मेरे को पीट दिया तो उनकी कुछ तो जो भी बाइट आंदी वह भी आप यूट्यूब इंस्टाग्राम पर आपने डालनी चाहिए अब रही बात भाई इन दोनों पार्टियां की मारा कोई लेना देना नहीं है मैं तो कोशिश ये रही एक साइड से तो मगर दुनिया भर के वीडियो आ रहे है दूसरे पक्ष की भी हम जानने की कोशिश कर रहे दूसरा पक्ष के कह रहा है अब दूसरे पक्ष के अलग में डंडा देगा तो हम कुछ सच बुलवा नहीं सकते हम भी अगले तो कह सकें भाई तू अपना पक्ष रख जो आपने बताना वो बता, वो ना हो बताओ वो अगले ने बताया ये हो सका आने वाले टाइम में अगला और वीडियो बना दे तो उसने तो कोई नहीं रोक सकता मैं नहीं तो कोई और सोशल मीडिया पर तो वीडियो आवेंगी तो मैंने इसलिए ही मगर उनका भी पक्ष आना चाहिए अच्छा ये एक बात था आपके साथ गलत काम कर यह बिल्कुल सही बात है कि गलत नहीं करना चाहिए था आपका चोट लगी अगर आप यूट्यूबर नहीं होते तो आप सोचो आपने इतना सपोर्ट मिलता कभी मिलता नहीं मिलता भाई लोग आगे रोडा पर भी एक्सीडेंट हो जाए डेली के झगड़े हुए सारी दुनिया ना पता पीट के लोग चले जाए अध भी कर दे मार भी जाए आधे दुनिया पकड़ी भी नहीं जाती आप एक यूट्यूबर थे उसके कारण कितनी आपने सपोर्ट मिली कितना ज़्यादा पुलिस पर भी प्रेशर बन रहा है क्योंकि वीडियो जब यूट्यूब पे जाती हैं गदागत गदागत उनको आप पुलिस वाले के बड़े अफसरों से टैग करते हो तो प्रेशर अफसर पे आता है लेकिन कोई भी अफसर जब तक सबूत पक्के नहीं होंगे किसी ने कैसे मतलब अरेस्ट कर लेगा ना झूठा केस भी तो नहीं बना सकते किसी पर कुछ तो कारण होगा पुलिस का भी ऐसे कि पुलिस कति बिगगी है कितने बड़े में धनवान होगी दूसरी पार्टी है कि भाई सब कुछ खरीद दिया ना पूरा सिस्टम थोड़े खरीद दिया होगा यार तो कुछ तो सबूत भी इकट्ठे करेंगे लोकेशन देखेंगे मोबाइल लगी हाँ अगर किसी उनने किसी पर पिटवाया तो वो भी काम पुलिस ही करेगी वो भी उनके मुंह तो सचवा गुलवाओगी तो वो काम पुलिस का है वो मारा काम नहीं है इब आपकी लाइफ इतना ये चीज देखना कि ये हादसा आपकी जिंदगी को कितना चेंज करेगा जो आपका चोट लगी जो दोषी है उनमें सजा मिलनी चाहिए या एक पार्ट है यो जो आपका भी आपसी रंजिश है दुनिया की दुनिया की रंजिश चल रही हर तीसरे घर में रंजित चल रही वो अलग अलग मैटर चल रहे हैं आप एक यूट्यूबर थे आपने सपोर्ट की कोई कमी नहीं रही कहीं से भी कोई कमी नहीं रही आपका चैनल भी ग्रो कर रहा होगा इंस्टाग्राम पर आप छोटी बड़ी नान धोड़ तक की सारी रील घेर रहे हो सारी आपकी रीच में चल रही ई आपकी जिंदगी यहाँ से कितनी बड़ी चेंजिंग आओगी यह सोचो आप मैं नहीं कह रहा आपने ए, मतलब ये सारा काम मतलब ये और, और मार धाड़ झगड़ा इसलिए नहीं कर रहा लेकिन हादसा हुआ कोई कोई हादसा इंसान की जिंदगी बदल दिया अगर भाई तो ईब आपकी लाइफ में कितने बड़े चेंज होंगे डॉक्टर चॉइस का नुमाले राजवीर का पूरा आता है वो कंपनी में दोस्ती है मालिक के साथ आप जितना मर्जी लॉन्ग टाइम तक उनके साथ रह सकते हो अगर आपके कंटेंट वहाँ गदम रहेगा फिलहाल तो आपका कंटेंट ये झगड़ा है जो पंगा है जो लोगों की भावनाएं आपसे जुड़ी है इसलिए आपके सारे वीडियो अच्छे चल रहे सब्सक्राइबर गेन हो रहे हैं फॉलोवर गेन हो रहे हैं मिलियंस में इंस्टाग्राम और आपका यूट्यूब पर भी वीडियो डलते अच्छे खासे व्यूज आ रहे ये तो है फिलहाल ये झगड़े वाला मामला आप इस झगड़े वाले मामले को दिखा सकते हो यूट्यूब पे इंस्टा पर डेली डालते रहो एक महीना दो महीना जितने भी ओ मीटर खींचना भाई खींच ले और अपने वीडियो बनाता रहा हमने भी उसका कोई तकलीफ नहीं मने भी नहीं क्योंकि आपने खाना कितने पैसे लिए वीडियो बनाने के ये भी मैं सारी मैं भी बताऊंगा अपने भाई ने तो तेरी तो मेरे भाई देखो झगड़ा जो है जो है उसका कोई रोड़ा नहीं है वो थारा रहा आपसी रंजिश थी आप यूट्यूबर नहीं होंगे आपके साथ कोई नहीं निखड़े आंदा लेकिन ईब राजर ने आपका एक अच्छा ब्रांड दवा दिया ब्रांड भी अच्छे पैसे देगा रही बात YouTube है यूट्यूब पर आपके सब्सक्राइबर करीबन करीबन पाँच लाख के आसपास है मेरे सब्सक्राइबर बारह या तेरह हज़ार है मेरा पिछला महीना सिर्फ़ YouTube से एडसन्स का बता रहा हूँ सवा लाख रुपये आया और मेरे हिसाब से आपके व्यूज़ मेरे से ज़्यादा होंगे तो ऑलरेडी YouTube से भी आपकी अच्छी खासी इनकम होगी तो और दूसरी बात जब तक यो केस चला बेसक उस सैर मारो उसके बाद आपकी लाइफ इतनी चेंज हो जाएगी आने वाले टाइम में कि यो हादसा आपकी लाइफ में देखो कैसे चेंजिंग लिया हुआ यूट्यूब से अच्छी अर्निंग होगी ब्रांड मिल जाएंगे भाई सारी दुनिया का अपना समर्थन है साथ है नेगेटिव नहीं हुआ पॉजिटिव हो तो आप किसी और बड़े शहर में जागे अपने एरिए में जागे किसी भी शहर में बढ़िया घर बना कर इसको यूट्यूब ने दुनिया बहुत दुनिया की लाइफ चेंज करी तो आपकी भी लाइफ चेंज होगी दोसिया को सजा दिलानी है वह डम्मी है रियल है वो अलग मैटर हो कानून का काम है वो पब्लिक का काम नहीं है पब्लिक ने तो आप तक तो फुल सपोर्ट दे रखा है मेरे वीडियो में भी और आपके सारे वीडियो में ये मेरे भाई तू इस झगड़े ने ले गए डेली तीन रील कार्ड चार कार्ड सारी चाल लेंगी यूट्यूब पर तू रोजगीत वीडियो अपलोड कर वे भी चाल लेंगी क्योंकि इस टाइम सारी लोगों की भाई एक तरह से जुड़ रही है और ये तेरे लिए एक पॉजिटिव चीज़ है अब इस तू पॉजिटिव चीज़ ने कितना आगे तक लेकर जागा वो तेरा टैलेंट बोल लगा कंटेंट जो यूट्यूब पर है अगर वो तो अच्छा अंदर जाएगा एज ए एथलीट भी आगे चल लगा मान ले तू अपने अपने एथलीट भी को भाई जो भी अपने छोटे मोटे शो अभी करे होंगे तो आगे आपका करियर बनेगा इसमें बुराई की है अब बात है इस केस की तो इस केस न पुलिस उलटेगी ना कोई यूट्यूबर सुलट सकता ना कोई भाई पब्लिक सुलट सकती भाई एक काम करो अपने सारे जितने भाई तेरे साथ आना चाहो रोड जाम कर लियो किति वो कर लो जो कराया अगर दुनिया वो करके देख लियो हम उस चीज़ में मैं नू निका दा कि कर, ना करो आपने सीएम के पास जाना है आपको अनिल विज जी के पास जाना है आपने था, थाने का धरना देना है रोड पे किसी धरना देना आप कुछ भी कर सको भाई अपने जस्टिस के लिए क्योंकि आपको चोट तो एक्चुअल में लगी है और रही बात तीन वाली धारा की तो आपको जब चोट लगी तो आप चोट बहुत तगड़ी लग रही है इसमें नो डाउट लेकिन पुलिस भी तीन सौ सात की धारा जब लाओगी क्योंकि तीन सौ सात का मतलब है ऑलमोस्ट बंदा मर गया और मर का बच्चा है वो तेरे साथ उस उस दिन जरूर आया है लेकिन जो ये चोटे आपका लग भी रही हैं शरीर का है, इस चीज़ ने नेगेटिव नहीं लिए पाँच छः दिन में आप अच्छे खासे ठीक ठाक चलने लगे नहीं तो तीन सौ सात भाई एक डेढ़ बिना तो बैड पर पड़े रहा है जिनका तीन सौ सात की धारा लग गए जिनके किस्सा में क्योंकि वो इतनी हाई इंजरी हो जाए हैं कि तो उठने जाएगा जब भी तो तीन सौ सात आप तो पाँचवें दिन कम से कम चल रहे हो वीडियो बना रहे हो अपना सारा काम कर रहे हो तो आपका तो काम कंटिन्यू चालू हो भाई पाँच दिन में ही एक झगड़े के बाद जब आप आपके टक्के वाके भी जो राजवीर ने दिखाए हैं सूख लिए हैं काफ़ी हद तक और पैर में सूजन है वहाँ पे बहुत लट पड़े हैं जो भी है उस अच्छे ने मैं डिनाइन नहीं कर रहा एक नहीं होगी यार पाँच दिन में जब तू तो रिकवर हो गया पाँचवें छठे दिन काफ़ी हद तक थोड़ी वह सूजन वूजन है लटा के वह भी चली जाएगी मामी यह बात नहीं कह रहे तू अपना जस्टिस मत ले और भाई रही बात पीसेगी पीसे तो भाई दुनिया लेवा झगड़ा मैं इसमें कि उसमें भी कोई बुराई नहीं है चाहे उसमें तू आवर चाहे तू ना कर सीधी सी बात है किसी भी झगड़े का अंत दो ही चीज़ आ रहा है या तो आदमी बदला लेगा या राजीनामा करेगा दो ही चीज़ हो भाई या फिर आप कानून की लड़ाई लड़ते रहो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं मन भी नहीं लगता सामने वाली पार्टी पैसे देने भी तैयार नहीं है ना बात तो यार ये है न मन बात करी हुई बोले मारा बोते नहीं भाई पाँच लाख रुपये देने का हम कितने देंगे ये जो मैं वीडियो लगाऊंगा उसमें भी उन्होंने डिनाई कर दिया भाई हम तो नहीं दे रहे पैसे जब पैसे का कोई मामला ही नहीं है और पैसे की आपने मैंने बता दी यूट्यूब की भी इनकम अच्छी आती होगी इंस्टाग्राम पर भी और भाई अपना ब्रांड भी मिल जाएगा कंटेंट भी है रीच भी है अपना काम संभाल मेरे भाई अपनी जस्टिस की लड़ाई चालू रख तो इब्नू मेरे ऊपर जो तूने एलिगेशन लगा भाई तन्ने कितने पैसे मिले मेरे भाई इस तरह के झगड़े के बीच में आकर वीडियो बनाने के अगर हम पैसे लेंगे तो आगे हमारे वाले बच्चे हैं भगवान भी कोई चीज होगी धरती पे ये ऐसे से पीछे कई गुना हो गए मैं गली कटा कर आदमी की ठीक है जो इस तरीके की चीज के अंदर पैसे कमाने के भाव तो जो कोई आवे ठीक मैंने तो सिर्फ नु सोची थी मगा यार इधर की वीडियो तो सारी दुनिया बना रही है उधर के पक्ष की भी जान लो क्योंकि वहां पर जो प्रवीण नंदल है हमारे एरिए का अच्छा बॉडी बिल्डर है राम निवास मलिक भी अच्छा बॉडी बिल्डर है राम निवास मलिक हमारा गाजियाबाद में है और यो पानीपत में मॉडल टाउन में जिम कर रहा है ना गण टाइम तक जाना है अच्छी तरीके से तो मैंने इससे जब संपर्क करा तो इसने मृतू बताई नरेश सैनी तो मेरा स्टूडेंट है मैं भाई तू इसकी साइड का कोई तो एक आधा वीडियो बनूँगा और ये वीडियो जब मैंने राजवीर राजवीरता बात करिए उसके बाद वीडियो मेरे पास आए हैं वो भी एज ए व्हाट्सएप के जरिए पहला उन्हें डॉक्यूमेंट में सेंड करे फिर वो एच क्वालिटी का आजकल ऑप्शन आ उसमें सेंड करे फिर वे वीडियो मेरे पास आए जब मैंने वीडियो देखे जब मैंने वो डाले और उसमें भी मैंने कहीं भी गलत नहीं बोले आपके लिए हम तो पॉजिटिव है मैं तो कह रहा हूँ हैं भाई मेरे वे जून से बंदे हैं है। डम्मी है पर उन डम्मी बंदे से आपने सवाल ये करना चाहिए था कि भाई तुम जो भी हो तुमने मेरे को मारे ही क्यों जब मैं आपको जानता नहीं आपके साथ मेरा कोई लेना देना नहीं आपने मेरे को मारे क्यों तो वह जो भी दे आपने वो भी यूट्यूब पर बताना चाहिए क्यों नंबर यह बात कि इसलिए और रही बात अगर लोग कैमेंटा में कुछ ना कर रहे भाई पैसे देकर भी पिटवा सके है या दूसरे बंदों से पिटवा दो आप किसी ऐसी लोकेशन में रहो पे कैमराज वगैरह हो तो इस चीज ने भी भाई पुलिस ही साबित करेगी ना हम साबित कर सकते और ना कोई और यूट्यूबर साबित कर सकता यह कानून का काम है वो पुलिस ही करेगी तो पुलिस या, या तो आप कानून पर विश्वास रखो अरे फिर भाई यूट्यूब पे वीडियो वीडियो बनाते रहो भी ये वीडियो कितने दिन चल जाएंगे बिना दो भी और खींच लोगे आप मीटर सारी जिंदगी तो रहना नहीं है अगले भाई इसकी कैसे चला जागा आप यूट्यूबर नहीं होते तो आपने कौन जाना था मेरे भाई एक सिर्फ आप यूट्यूब पर वीडियो बनाओ तो इसलिए आप उन्होंने इतनी सारी लोगों का जो भावनाएं जुड़ गई सब आपके साथ आ गए राजवीर इतनी दूर तक तो उठका आ गया उनने भी तेरे भलेगी सोची हालांकि राजवीर ने तो कहा था मैंने साल छह महीने पहले भी आपको टेलर का काम करते कभी देखा होगा तो मैंने उस टाइम भी मैसेज कराया था तो उस टाइम आपने नहीं पढ़ा होगा कहीं ना कहीं तो आपका काफ़ी टाइम से जो है इंस्टाग्राम यूट्यूब कुछ ना कुछ तो ग्रो के फेस में चल रहा है ना तो दो पैसे अपना भगवान वैसे भी दे रहा है तो मेरे भाई ना तो सामने वाली पार्टी पैसे देने तैयार है और इधर तो आप डिनाई करो तो इस बात ने पैसे अड़ा का तो मैटर ही नहीं रहा रही बात जो पैसे की मैटर की थी वह जो कॉल रिकॉर्डिंग है वह मैं रख दूँगा जो सरदार जी बीच में थे तो यो सारा मामला था भाई और जो भी बात है हमने बता दी रही बात हो भाई लोगों का सपोर्ट करो सपोर्ट करो और कितनी सपोर्ट करो भाई सब सपोर्ट कर रहे हैं मेरी वीडियो में भी आपने सपोर्ट मिल रही है तो आपने ही सपोर्ट मिल रही मेरे भाई और कितने व्यूज़ आओगे जितने मैक्सिमम मैक्सीम मैक्सीम आए मिलियंस में आपकी रील जान ली आपने यूट्यूब पर लोग देख है रहे आप तो लोगों ने यू ऑफर भी दे दिया एक मेरे भाई आप एक मैसेज कर दो हमारी टीम आपके पास आ जाएगी और बता के सपोर्ट चाहिए भाई अपना खींचा जाए मीटर जो भी आपकी कानूनी कार्रवाई चल रही है लीगल केस चल रहा है जो भी चल रहा है वो आप YouTube पर दिखाते रहो अपना चलते रहो बस यो ही मैटर है और भाई हम ना ना तो इसे मामले मे कमाने की जरूरत है और वैसे भी मैंने तरह बता दिया पिछले महीने मेरे पंद्रह सौ डॉलर प्लस बन रहे हैं तो आपका तो चैनल मेरे तो वैसे भी मन लगा ज्यादा है सब्सक्राइबर ज़्यादा व्यूज ज़्यादा तो दो पैसे आप तो भगवान वैसे बढ़िया दे रहा है आप लोगों हम टेलर की लाइफ तो उठका है बहुत नीचे तो उठका तो जिंदगी तो चेंज हो रही हादसा तो किसी की गेल भी हो सके भाई रंजीश तो दुनिया गेल चाह रही जूत तो कह रहे किस किसके बाज रहे हैं सबने न्याय थोड़े मिले है अरे हम तो ना भाई अपनी जस्टिस की लड़ाई आप लड़ो और आपके साथ तो इतना मजबूत आदमी आगे खड़े हो गए जिनने आप तनु भी कह दिया दस लाख का स्वैप मार बीस का मार करोड़ रुपए हमारे अकाउंट में कितने मर्जी खर्च कर रहे और इस तक सपोर्टर चाहिए मेरे भाई तो ना तैयार बात है सिर्फ नू नहीं है एक भाई सारी दुनिया आपके साथ हो रही थी दूसरे ना नू कह दिया आपने पैसे खा लिए यो बंदा गलत है या आपकी एज कम है तो इस हिसाब से मिच्योरिटी नहीं नहीं है आपके दिमाग में कि आपने मृत्यन कह दिया कि भाई तेने वीडियो बनाने ती पैसे खाए हैं एक व्यूज़ थी खाए हैं ये पाँच दस हज़ार व्यूज तो मेरी वीडियो आगे पाचे की चेक कर लिए ऊँ भी हूँ भाई के इन मैं दो तीन डॉलर हाँ मैं करोड़पति हो जाऊंगा तो थोड़ा दिमाग लगा कर किसी के ऊपर एलिगेशन लगाना चाहिए तो कमेंट तो तुम्हें हटा दिया था, मैं कहनी चल लाइन लग लाए। जाएगी नेगेटिव नेगेटिव पॉइंट क्या फायदा मगा नेगेटिविटी फैलाएगा जब इसमें हमारा कोई पॉइंट ही नहीं है और मैं तो भाई कोई और वीडियो आऊगा वाई भी फिर लगा दूंगा यूट्यूब पर दूसरी साइड का तेरा कोई लगाना तू बता दे तेरा भी लगा देंगे तेरा तो सारी दुनिया लगाने लग रही अरे कम दम दूसरी पार्टी की कुछ तो जब आदमी कैमरे के सामने बोल रहा कुछ तो हम उसके चेहरे के भाव तू तो समझेंगे सच बोल रहा है एकजुट बोल रहा है कुछ तो आवे एक वीडियो नहीं था उनका मैंने एक वीडियो उनकी तरफ से ज़बरदस्ती कह को आ भाई कुछ तो अपना टेक रखो तो मैंने कोई गलती नहीं करी मेरे भाई ठीक है और दोनों साइड की ही बात सुननी चाहिए और जो भी भाई मान लो यूट्यूबर जा हुआ है जब वो सामने वाला नु है मेरे ते भी आई एक बार उसकी भी सुन लो जरूरी थोड़ी सारी चीज़ यूट्यूब पे और इंस्टा पर डालनी है उस भाई तो ऑफलाइन बैठ कर वैसे बात कर लो ना उसकी सुन तो लो वो क्या कहना चाह रहा है उसने सारी बात तो मतलब तभी नहीं बताई मैं कर लूँ उसकी रिकॉर्डिंग डाल दूँ उस अगले ने भी खतरा है अगला भी कुछ बातें ऐसी हैं जो सोशल मीडिया पर नहीं डलवाना चाहता हो तो उस पर बात कर लो जा भाई जो भी भाई जाओ मिलने उससे मिल लो दोनों पक्षों की सुनने में कोई बुराई नहीं होती तो भाई यह वीडियो था यह स्पष्टीकरण था इस भाई की भगवान बढ़िया जिंदगी चेंज करेगा हादसा तो किसी के लिए भी हो जा रहा है जो जस्टिस इसने मिलेगा जो कानून अपना काम करेगा तो हम सब तो भाई मैं तो मैं भी तेरी सपोर्ट में हूँ पर बात यह नहीं है कि तुम्हारे कोई एलिगेशन लाए दे पीछे लेकर वीडियो बना ये काम नहीं करा भाई ना कर दे और ना इतने पीछे की जरूरत है आगे बाल बच्चे हैं मैं गली काट दिया भगवान कई गुणा इसे ऐसे पैसे इसे पैसे कमाने भी नहीं चाहिए मेरी तो छोड़ तू तो मेरे तो कड़ा वो पलट नाम करान थे कि एक दिन मैंने कॉल कर दिया उन्होंने एक दो तीन मिनट का वीडियो दे दिया होगा तो मैंने तक पैसे दे दिए होंगे किसी छोटी सोच वाली बात करी इसी नहीं करनी चाहिए किसी के लिए भी ठीक है भाई तो यह वीडियो थी भाई आगे हुआ रिकॉर्डिंग सुन लेना सबका धन्यवाद जय हिंद अरे भाई सोच समझ गया कमेंट करो बात समझो सारी बात समझो जब आप कमेंट करो थैंक यू तो वो मतलब ना

हमारा बनता है ना देखो मेरे बच्चे की जान की मतलब ये नहीं है कि देखो जो हमारा चायज है ना वो ना मतलब, मतलब हैं सब कुछ है तो मतलब वो इस टाइम कर रहे हैं मतलब पैसा तो वो कह रहा था की आपको देखो हमने पांच लाख बोला तो अब तो हमने ही मतलब बोल दिया ढाई में तो कह रहा है वो ढाई में ढाई और जो भी तुम्हारी बहनती है तो आप जब कहोगे तो हम बैठ के समझौता करने के लिए रेडी है तो कहते मैंने कहा देखो जी मैं लास्ट टाइम फाइनल बार आपके कहने से एक बार बात कर लेता हूँ बाकी आप देखो मैं जो फिर मौके पे होगा आपको माननी ही पड़ेगी कह रहे कि चलो ठीक है अब बाकी आप आप देखो मैंने कैसे मैं समझा नहीं दो इक्कीस और ढाई मतलब जो पैसा बनता है मतलब पांच एक लाख रुपया लगभग नहीं भैया इतने में नहीं होगी बैठ के बात करनी है तो कर लेंगे मैं यार मैंने तो नहीं यार पहले

मैं अगले ने तो मेरा मान रखा मैं तुम लोग क्या किस चीज़ के लिए कह रहे हो भाई तुम मतलब तो एक भी नहीं मान रहे मारी मैं उसने तो दो किस के किस पे राजी कर लिया की हाँ भाई मैं दे भाई एक रुपया एक रुपया नहीं काटता पूरे के पूरे दूंगा तो फिर वही है भाई अब वो उसका कहना लगा की देखो मैं मेरे बच्चे की जान की कीमत मैं दो चार लाख रुपए में तो नहीं होती बट आप मैं आपके से आम करीब आदमी है ये है पूरा है हमारे बच्चे की जिंदगी तो मतलब ये देखो इतने में सेटिंग अगर बैठते हो तो भाई ठीक है किसी ने शायद उन्हें तो बोला कि चलो पांच के तो बात लगती है तो 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 है है अगर देखो भैया इतने पैसे में बात है। नहीं तो कोई नहीं। उनको दो यार, जो, जो गुन्गार होगा उसमें क्या था उससे ले, ले लेंगे हाँ बस इसमें तो बात कोई बात ही नहीं है हाँ मैं तो कह रहा हूँ मैं तो ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਕਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਮਝਾ ਦਿਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇਰੇ 221 ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਨੇ ਤੇਰੀ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀ ਮੌਤ ਬਲੀ ਖਤਰ ਵੈਸੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਰ ਦੇ ਰਹਾ ਹੈ ਤੂੰ ਬੈਠ ਤੂੰ ਬਣਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਤੁਝੇ ਤੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੂੰਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਈਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਬੋਲਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਪ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਕਰਾ ਦੋ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਦਬਾ ਲਓ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਭਾਈ ਅਗਲੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਗੱਲ ਪਿੱਛਾ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੋਈ ਮੰਨ ਹੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ